हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट बॉर्डर। ठीक है, सीएसएस स्टाइल के थ्रू हाउ डू वी गिव बॉर्डर टू अवर एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो आप देख सकते हो प्रोग्राम मैंने पहले से ही रखा है आपके लिए, एचटीएमएल हेड स्टाइल। ओके, सो हियर वी आर यूजिंग डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, सो पैराग्राफ डॉटेड, दिस डॉट डॉटेड के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, क्लास क्रिएट कर रही हूँ एंड वी विल यूज दिस डॉटेड क्लास फॉर पैराग्राफ। ठीक है, सो बॉर्डर स्टाइल इज द एट्रीब्यूट थ्रू विच वी कैन गिव डिफरेंट बॉर्डर्स। सो इधर आपका वैल्यू है डॉटेड, नेक्स्ट बॉर्डर स्टाइल में डैश्ड, सो डैश्ड क्लास लिया है। ऐसे ही डिफरेंट क्लासेस क्रिएट की हैं और उनका बॉर्डर स्टाइल लगाया है अकॉर्डिंगली। अगर आप दे रहे हो पैराग्राफ को कोई बॉर्डर नहीं देना चाहते हो तो यू विल राइट नन इन द वैल्यू ऑफ बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, हिडन, इनसेट, आउटसेट, यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स आर देयर। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो गिव बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड एंड डबल। जो भी आपने इधर लगाए हैं उनको आप एक साथ भी दे सकते हो, सो मिक्स करके एक क्लास बनाइए। ठीक है, हियर आई एम क्लोजिंग द स्टाइल हेड, देन बॉडी, आई एम ओपनिंग द बॉडी टैग। सो एच टू इज द हेडिंग द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, वी आर सीइंग द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। सो इसको हेडिंग दे दिया है द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। फिर पैराग्राफ क्रिएट किया है, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। ठीक है, इधर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस यूज की है मैंने। ठीक है, बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, डैश्ड बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर एंड लास्ट वन इज मिक्सड बॉर्डर। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस को मिक्स किया है, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो नाउ वी विल सेव इट एंड वी विल सी द इफेक्ट। सो यू कैन सी दिस इज द डॉटेड बॉर्डर, डैश्ड बॉर्डर, यू कैन सी ऑल द बॉर्डर्स। ठीक है, ये सारे पैराग्राफ को बॉर्डर आई है। आप हर एक बॉर्डर का इफेक्ट देख सकते हो डिफरेंटली। नो बॉर्डर जो हमारा था उसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है, हिडन बॉर्डर में देर इज अ बॉर्डर बट इट इज हिडन, और मिक्सड बॉर्डर यू कैन सी। ओके, सो आप अपने एलिमेंट को मिक्सड बॉर्डर भी दे सकते हो। तो जितने भी स्टाइल्स का आपने यूज किया होगा, जितने भी क्लासेस का यूज किया होगा, उसी टाइप की बॉर्डर आपको मिक्सड बॉर्डर में दिख रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉर्डर। तो अभी हम देखेंगे बॉक्स क्या होता है। सीएसएस में जब भी, एचटीएमएल में जब भी डिजाइन एंड लेआउट की बात की जाती है तो बॉक्स मॉडल का, बॉक्स मॉडल टर्म का यूज किया जाता है। सो सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या है, ये एक ऐसा बॉक्स है जो हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को रैप करता है। ठीक है, इट इज एसेंशियली अ बॉक्स दैट रैप्स अराउंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट। और ये किससे बना होता है, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन्स एंड द एक्चुअल कंटेंट। ठीक है, तो हर एक एचटीएमएल एलिमेंट को आप ऐसे एक बॉक्स मॉडल से रैप कर सकते हो। ठीक है, सो हियर यू कैन सी स्टाइल के अंदर हमने एक डिवीजन लिया है, डीआईवी टैग लिया है। ठीक है, सो मतलब डीआईवी को हम क्या दे रहे हैं, स्टाइल दे रहे हैं। इधर बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे यूज किया है, विड्थ इज 300 पिक्सल, बॉर्डर 15 पिक्सल एंड सॉलिड ग्रीन बॉर्डर दी है, पैडिंग इज 50 px एंड मार्जिन इज 20 पिक्सल। ओके, सो बॉक्स मॉडल कैसे क्रिएट होता है, बाय यूजिंग पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर एंड द एक्चुअल कंटेंट। ओके, सो दिस इज नोन एज बॉक्स मॉडल। सो वी विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस स्टाइलिंग ऑन द डिवीजन। ठीक है, एक डिवीजन क्रिएट किया है, दिस टेक्स्ट इज द कंटेंट ऑफ द बॉक्स, वी हैव एडेड 50 px पैडिंग, 20 पिक्सल मार्जिन एंड 50 पिक्सल ग्रीन बॉर्डर। ओके, सो वी विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस। ओके, सो यू कैन सी द रिजल्ट। अभी हमने इधर क्या क्या लगाया था, दिस इज अवर एक्चुअल कंटेंट। ठीक है, ये एक्चुअल कंटेंट है और इसके बाहर हमने 50 पिक्सल का पैडिंग लगाया है, जो कि आपको ऐसे दिखेगा नहीं। मतलब एक्चुअल कंटेंट और उसके बीच में, बॉर्डर के बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको दिखेगा। ठीक है, और 50 पिक्सल का ग्रीन बॉर्डर लगा है, दिस इज द बॉर्डर। पैडिंग के थ्रू आपने क्या किया, एक्चुअल कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कितना गैप है ये बताया है, 50 पिक्सल का ग्रीन बॉर्डर है। और जो आपका मार्जिन है वो मार्जिन है इनके और इसके बीच में, सो मार्जिन विल बी हिडन। ठीक है, मार्जिन 20 पिक्सल का है जो कि हिडन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉक्स मॉडल, सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो जब भी आप लेआउट की बात करोगे, डिजाइनिंग की बात करोगे, सो यू कैन गिव दिस टाइप ऑफ मॉडल। ठीक है, तो ये आप दे सकते हो डिविजन टैग के थ्रू, यू कैन गिव। ओके, यू कैन क्रिएट अ डिविजन एंड यू कैन प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी।